उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधन संघ के प्रदेश सचिव बाबूराम पांडे के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक सम्मानित राहत कोष दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के देवनाथ यादव, राजकुमार पांडे, राजेश तिवारी, शीतल पाठक, आनंद सिंह, सुमन जायसवाल, प्रमोद कुमार पांडे, संजय गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के सचिव बाबूराम पांडे ने कहा, बाबूराम पांडे, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश वित्त विहीन प्रबंधक संघ। आज हम लोगों का विद्यालय बंद पड़ा हुआ है और जितने प्रबंधक शिक्षक हैं सब लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इस समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है, या तो विद्यालय खोला जाए, अगर विद्यालय नहीं खोला जाता है तो तत्काल हमको तत्काल राहत कोष दिया जाए। सरकार से क्या मांग कर सर, या विद्यालय खोलवाया जाए या तो हमको अनुदान राशि दिया जाए कि हम लोग प्रबंधक शिक्षक और जो भी कर्मचारी हैं भुखमरी के कगार पर न हों।